नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के फिजिकल और मेडिकल का आज पांचवा दिन है। जी हां साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट की वजह से भी बाहर हो रहे। किन किन वजह से हो रहे? बहुत सारे साथी हैं जो डोमिसाइल की वजह से पकड़े भी गए हैं और डोमिसाइल की वजह से बाहर भी हुए हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट को लेकर बहुत सारे साथी हैं जिनके लगातार यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। और इस बार आप लोगों का फिजिकल के साथ ही डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल का प्रोसेस हो रहा है, और मेडिकल का प्रोसेस भी उसी दिन आप लोगों का शुरू हो रहा है। अगले दिन आपका पूरा मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद में फाइनली आप लोगों का रिजल्ट सुना दिया जाता है कि कितने बच्चे मेडिकल फिट है और कितने बच्चों को आरएमई के लिए भेजा गया है। अगर ये आंकड़ा देखें तो काफी चौंकाने वाले और काफी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें से एवरेज अगर मैं बात करूं तो 20-25% कैंडिडेट से भी कम बच्चे यहां पर फाइनल रिक्रूटमेंट के दिन है वो फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हो रहे, और ये आंकड़ा 10-15% पर भी जाके रुका है। तो ऐसे में क्या कम नंबर पर कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर वैकेंसियां खाली रह सकते, किस वजह से रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से जो आपका फिजिकल सेंटर है, रिक्रूटमेंट सेंटर है, उससे जो हमें अपडेट मिलती है डायरेक्टली अंदर से, वही अपडेट आपको बताते हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी मैं आपको बता दूं, एक यहां पर न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर देख रहे होंगे, ये एक पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट ने मेरे पास में भेजा है। बोला, गुरु जी, आज एसएससी जीडी में फेक डोमिसाइल बनाकर यूपी से वेस्ट बंगाल में फिजिकल देने आए उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, और इसको लेकर वीडियो भी मेरे पास में पड़ा है जो कैंडिडेटों ने भेजा है मेरे पास में। तो भाई, फेक डोमिसाइल बना के जो बच्चे भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, और भाई वो एफआईआर भी उनके लिए लागू हो रही है। अभी मैं डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी आपके छोटे बड़े भाई है जो नई वाली एसएससीजीडी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए किरण पब्लिकेशन की 2013 से 2024 तक के जितने भी आप लोगों के पेपर हुए हैं, सोलोड पेपर चैप्टर वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें स्पेशल हिंदी, स्पेशल गणित, मैथ, रीजनिंग और जीके, और भाई इन चारों ही बुकों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इन कुछ अपडेट के बारे में। देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि डॉक्यूमेंट को लेकर, देखो ये ऑफिशियली तरीके से सेंटर के अंदर ये लिस्ट लगी होगी जिनका फिजिकल हुआ, उनको बच्चों को पता भी है। यहां पर लिखा गया कि ऑर्डर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने। अभी आपको देखना, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक आईडी आपके पास में होनी चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट सेकंड नंबर पर आपको रखना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय 10+2 दिखाया है तो 10+2 की मार्कशीट भी इसके 10th वाली के नीचे लगाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन दिखाई है तो ग्रेजुएशन भी आपको लगानी है। इसके बाद में यहां पर जो एनेक्सर विल बी द 8th एप्लीकेबल, जो बच्चे एप्लीकेबल है वो एनेक्सर 8th का भी यहां पर जिक्र है वो कर सकते हैं, वो उन्हें लगाना है। किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। उसके बाद में यहां पर देखना, जो कैंडिडेट एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास में एनेक्सर डेट, जिनके पास में क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो साथी काफी परेशान है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का बना होना चाहिए, और क्रूशियल डेट होती है आपके फॉर्म की लास्ट डेट। बहुत सारे साथियों के पास में नहीं है, क्योंकि बच्चों ने बनाया नहीं, उस समय नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा नहीं, तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके पास में नया सर्टिफिकेट है तो भी वहां पर आपका मान्य किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल नो टेंशन होकर नया सर्टिफिकेट बना के लेके आना, बिल्कुल आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगला आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सबसे नीचे लगाना। उसके बाद में एनसीसी वाले एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट साथ में लगा सकते हैं, कोई डिप्लोमा है आपने मेंशन किया फॉर्म भरते समय वो भी आपको साथ में लगाने। इतने डॉक्यूमेंट आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाने, इसके अलावा किसी भी प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र, कुछ भी आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी प्रकार के अनमेरिट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक सेंटर में आपको इसकी लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। साथियों आपको एक छोटी सी गलती की वजह से आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। आज जिन बच्चों का फिजिकल रनिंग के लिए उससे पहले उन्हें आउट कर दिया गया था, किस वजह से? जब उनकी हाइट हुई थी, एसटी के कैंडिडेट थे, हाइट कम थी और हाइट में वो छूट के लिए उन्होंने बोला हम एसटी कैंडिडेट है, लेकिन उसके पास में कार्ड सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से दोस्तों डॉक्यूमेंट से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया था हाइट की वजह से। अगर उस बच्चे के पास में कार्ड सर्टिफिकेट होता एसटी का
तो वो हाइट में भी उसे छूट मिल जाती और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो क्वालिफाई हो जाता। और भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बार आपको फिर से मौका नहीं मिल रहा है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम है तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप 5 दिन 10 दिन या 15 दिन बाद में बना के जमा करवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज यह है कि जिन साथियों के अगर कोई दूसरा आपका एग्जाम है और उस दिन ही आपका फिजिकल है तो आप उसके अगले दिन या उसके 2 दिन बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको सारे प्रूफ एविडेंस साथ में लेके जाने होंगे कि इस वजह से मैं फिजिकल देने नहीं आया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही मेडिकल में आप लोगों का जो मेडिकल हो रहा है उसमें आंखों के मेडिकल को लेकर बहुत सारे साथी परेशान है कि सर जो आई विजन वाला है उसका चार्ट कौन सा है। तो 2 प्रकार के चार्ट देखेंगे, एक हिंदी और इंग्लिश में। अगले वीडियो में दोनों चार्ट आपको दिखाऊंगा। जिनकी विजन कमजोर है वो उस चार्ट को रट लेना, आप यहां पर क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, कलर विजन वाली डायरी के बारे में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे लेजर करवा के जा रहे हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी एक दो बच्चा गया था जो पास होके आया, लेकिन अगर आप आर्मी से पहले करवा के जा रहे हैं आप डायरेक्टली अनपिट कर दी जाएंगे आरएमई में, यह चीज ध्यान रखना। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों आपका फिजिकल कितनी तारीख को है और कट ऑफ से कितने ज्यादा आपके नंबर बन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताना। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।